तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक इंटेक्स कंपनी की जैसे होम थिएटर को रिपेयर करेंगे। दोस्तों ये जो अपना होम थिएटर है इसमें पावर नहीं आ रही है, ठीक है। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। तो हमने इसको चेक किया है दोस्तों, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पावर लगाया और पावर यहाँ पर इसमें आ नहीं रही है। पीछे से इसका स्विच ऑन ऑफ करके देख लेते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में था, इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये पावर नहीं आ रही है, ओके। और आइए इसको चेक करते हैं आखिर क्या समस्या है दोस्तों इसमें। ये सबसे पहली बात कि ये अपना ट्रांसफार्मर वाला नहीं है, ये SMPS बेस्ड है। ये देखिए, ये पूरा जो है SMPS वाला सिस्टम इसमें लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है दोस्तों चेक किया गया था, जैसे लगा कि ये अपना IC खराब हो, इसमें ऐसा कुछ लगा है, ठीक है। तो अगर ये IC खराब है दोस्तों, मैंने पता भी किया, तो IC अपनी नहीं मिली है, तो हम इसमें कुछ देसी जुगाड़ लगाएंगे। और पहले तो इसको हम चेक करते हैं कि IC खराब है कि आउटपुट में शॉर्टिंग है, इसलिए पावर नहीं आ रही है, ठीक है। पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। तो मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे करके, ये हमने बीप वाले मोड पे कर दिया है मीटर को, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस मीटर में से आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा इसको हटाते हैं, दूसरा मीटर रखते हैं जिसमें से सीटी की आवाज़ आए ताकि आपको सुनाई भी दे। ये एक दूसरा मीटर रहा, इसमें से सीटी की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो आइए हम बीप वाली आवाज़ से सुनते हैं। सबसे पहले तो ये इसका पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट पहला पिन 6283 का, और निगेटिव कहीं पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको शॉर्टिंग तो नहीं दिख रही है, अपने को रीडिंग आ रही है, तो शॉर्टिंग नहीं दोस्तों यहाँ पर। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हम इसके कैपेसिटर के आउट पर चेक कर लेते हैं, 16 वोल्ट का जो कैपेसिटर यहाँ पे लगाए हैं डायरेक्ट, इस पर चेक कर लेते हैं। तो इस पर भी दोस्तों अपने को शॉर्टिंग नहीं मिल रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें पावर लगाएंगे और मीटर को जो सीधे 1000 वोल्ट की रेंज पे कर लेते हैं। पावर लगा दिया गया है इसमें, और इसमें जो अपना DC कैपेसिटर 450 वोल्ट वाला है उस पर हम सप्लाई चेक करते हैं आखिर बन रही है या नहीं। तो यहाँ पर अभी ऑफ है, ये ऑन कंडीशन में हमने किया, तो ये देखिए 328 वोल्ट की सप्लाई अपनी आ रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये अपना सप्लाई बन रहा है, ठीक है। ये माइनस में था, फिर माइनस में कैसे, ठीक है, ये माइनस प्लस हो गया, ओके। और यहाँ पर इसकी सप्लाई, यहाँ पर जो ऑन करने के लिए IC को सप्लाई बनती है 8 वोल्ट, ये भी सही है। और ये ऑप्टो कपलर हाथ लगा है, इस पर सप्लाई चेक करते हैं, तो इस पर भी सप्लाई है दोस्तों। और आउटपुट में सप्लाई चेक करते हैं, तो आउटपुट में अपने को सप्लाई नहीं मिल रही, 0 वोल्ट बिल्कुल, ठीक है, ये 0 है। और कम पे करके देख लेते हैं, 20 वोल्ट की रेंज पे करके देख लेते हैं, ठीक है, 0.33 ये वोल्टेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक जीनर लगा हुआ है, इस जीनर को हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो ये जीनर रिसॉर्ट हो। तो एक बार हम इस जीनर को चेक कर लेते हैं, ओके। और ये IC पे एक बार हम बूस्ट वोल्टेज चेक करेंगे, अगर बूस्ट होगा तो मीटर रीडिंग गायब करेगा, तो बूस्ट नहीं बन रहा है, इसका मतलब IC का फॉल्ट हो सकता है। और IC मैंने पता भी किया, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है नहीं, कैपेसिटर तो चार्ज नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा चांस बन रहा है कि IC सही हो, लेकिन देखते हैं, कुछ शॉर्टिंग मिल जाए तो अच्छी बात है। ये डायोड है, ये भी सही है। और यहाँ पर दोस्तों अपना 447 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी ठीक है। और इधर के कुछ ट्रैक है दोस्तों, इसको चेक करते हैं, ये ठीक है ट्रैक। ऑप्टो कपलर चेक करते हैं, रीडिंग इधर नहीं आनी चाहिए, इस तरफ आएगी 1200 की, तो इस तरफ ठीक है। तो ऑप्टो कपलर ठीक है, इसका मतलब IC पे शंका है कि IC, अब इसमें दोस्तों बचा है क्या है, ठीक है। डायोड शॉर्ट नहीं है अपना, डायोड हमने चेक किया यहाँ पर, डायोड ठीक है, ये देखिए 170 दिखा रहा है जो कि ठीक है, डायोड भी ठीक है अपना। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट AC वोल्टेज चेक करते हैं जरा, AC वोल्टेज कितना बन रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये ख़राब है, 0.2, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर इस बार चार्ज हुआ, इसका मतलब कि
अपना आईसी खराब होने का चांस है, ठीक है। तो इसकी जगह पे दोस्तों हम एक मॉड्यूल लगाएंगे, और किस तरीके से लगाएंगे उसको आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये अपना आईसी को निकालते हैं, जो पुरानी वाली आईसी इसमें लगी है। ठीक है, ये आईसी को मैंने ड्राई सोल्डिंग कर दी है, इसकी रंगा हटा दिया है इसका। यहाँ से इसको निकालते हैं, ये आईसी मैंने निकाल दी है। ओके, अब इसकी जगह पे अपना मॉड्यूल लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपना मॉड्यूल ले लेता हूँ, जो 5 वायर में अपना एसटीआर मॉड्यूल करके आ रहा है इस समय। तो अपने पास ये वाला मॉड्यूल है, तो दोस्तों इसको लगाते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें अपना ट्रैक समझना पड़ेगा दोस्तों, किस किस वायर पे अपनों को ये लगाना है वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो मेन कैपेसिटर इसका है 450 वोल्टेज का, तो उसके माइनस प्लस पर आपको ये 2 वायर जोड़ना है। सबसे पहले ब्लैक वाला जो है निगेटिव को जोड़ देना है, ठीक है, और ये हरा वाला जो है उसके पॉजिटिव पर जोड़ देना है, मेन कैपेसिटर जो अपना 450 वोल्ट का है, ठीक है। और इसके बाद ये पीला वाला जो अपना है ये डीटी पे जाएगा अपना। तो डीटी के किस पॉइंट पे जाना चाहिए मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये इनपुट हुआ है अपना 300 वोल्ट, जो भी इनपुट हो रहा है यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है। हमको पीला वाला वायर यहीं पे जोड़ना है, इसको यहाँ पे जोड़ते हैं। और उसके बाद ये अपना सफ़ेद वाला वायर ऑप्टो कपलर के निगेटिव को छोड़कर, इसमें देखेंगे ऑप्टो कपलर को चेक करेंगे तो इसका एक पिन निगेटिव होगा इस तरफ का। तो देखते हैं कौन सा पिन इसका निगेटिव है। तो यहाँ पर दोस्तों निगेटिव पॉइंट हमको ऑप्टो कपलर में नहीं मिला है, तो हम क्या करने वाले हैं कि ऑप्टो कपलर का एक पॉइंट निगेटिव करेंगे, ठीक है। और कौन सा पॉइंट आपको निगेटिव करना है मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पर ये वाला ट्रैक अपना निगेटिव होना है, तो यहीं से मैं इसको निगेटिव कर देता हूँ। इस आईसी के पॉइंट से ही यहीं से इसको मान लीजिए निगेटिव करते हैं। थोड़ा और मात्रा बढ़ाना चाहिए इसको, हो गया निगेटिव, कनेक्टिविटी निगेटिव की हो गई है। और इसके बाद अपना ऑप्टो कपलर के दूसरा पिन जो बचता है उस पर वाइट जोड़ेंगे, और फिर इसको कैपेसिटर के पॉजिटिव पर दिखाते हैं कौन सा कैपेसिटर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया है। अब इतना करने के बाद हम इसको सप्लाई चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मीटर को हमने 20 वोल्ट की रेंज पे किया, एक वायर अपना हम ग्राउंड कहीं पे लगा देते हैं, मान लीजिए आईसी पर ही लगा देते हैं, तो आईसी पर फंसाने लायक। चलिए मान लीजिए इसको मैं रख दे रहा हूँ, पीछे से स्विच इसको ऑफ करता हूँ, और ये मैंने इसको लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगाया और पॉजिटिव पर डायरेक्ट इसको रखते हैं, और मैंने स्विच को ऑफ किया हुआ है, स्विच को ऑन करते हैं डायरेक्ट। सीरीज में है दोस्तों अभी, ये स्विच को ऑन किया लेकिन कोई भी अपने को रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। ये कोई भी वोल्टेज नहीं बना है यहाँ पर, देख सकते हैं आप सब, 0.18 करके कुछ वोल्टेज आ रहा था, बस यही है। तो अपना काम नहीं बना दोस्तों अभी, तो अब देखते हैं कि ये कहाँ पे दिक्कत है। ओ, एक दिक्कत मैंने किया दोस्तों, हमको ये जोड़ना था पॉजिटिव पर, मैंने जोड़ दिया इसको नेगेटिव पर। देखिए इसको सही करते हैं, अपना पॉजिटिव ये वाला है,
ठीक है, इसको मैंने जोड़ दिया इस तरीके से। अब इसको दोबारा से हम ऑन करते हैं और देखते हैं। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों अपनी बन चुकी है। मैंने मीटर को उल्टा रखा हुआ, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव दिखा रहा है। तो देख सकते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई अपनी ये बन चुकी है। ठीक है, सप्लाई की समस्या तो सही हो गई है। और आगे देखते हैं, पहले पावर निकालते हैं इसको। ये हीट तो नहीं हो रहा है, ये हीट तो काफ़ी वैसे बहुत लोडेड है, हीट नहीं होना चाहिए, नहीं हीट हो रहा है ये। फिलहाल इसके लिए हीट सिंक हम लगाएंगे और आगे देखते हैं पहले ये वर्क सही कर रहा है या नहीं। सप्लाई तो 12 वोल्ट सही एकदम बिल्कुल बनी है, परफेक्ट। तो आगे हम डिस्प्ले पे देखते हैं पहले ये वर्क करता है या नहीं। तो डिस्प्ले पर दोस्तों अपना लाइट आ चुका है, ये मैं आपको थोड़ा दूर करता हूँ। ये देखिए डिस्प्ले पर ब्लूटूथ करके ये जो है अपना आ चुका है। बट इसमें मैं पेन ड्राइव लगाता हूँ अपना, कार्ड जो भी है, यहाँ पर मैंने इसको इंसर्ट किया। आवाज तो नहीं आई है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल ही सुना साना आवाज, कुछ नहीं आवाज है दोस्तों बिल्कुल। यहाँ से देखते हैं कहीं कम ना हो, ये फुल है। तो आवाज क्यों नहीं आ रही है, बैक में स्पीकर इसको लगाते हैं, पीछे साइड इसका स्पीकर लगा के देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि इसकी आईसी भी खराब हुई हो आउटपुट में। पीछे इसका आवाज आ रहा है दोस्तों, लेकिन इसका बेस का स्पीकर नहीं चल रहा है। तो आइए इसको देखते हैं हम कहाँ से क्या दिक्कत है। तो आईसी भी नहीं हीट हो रही है, बट एक बार आईसी पे सप्लाई चेक करते हैं हम लोग। तो बेस का दोस्तों असल में दिक्कत क्या हुआ कि यहाँ पीछे इसका बेस का वॉल्यूम हमने इसको ध्यान नहीं दिया, इसका वॉल्यूम ही काफी कम था। देखिए बेस का आवाज आ गया, छोटी छोटी अगर जानकारी ना हो, ट्रैक मिलाने पर मालूम हो गया हो तो। मास्टर आगे दिया है, वॉल्यूम पीछे बेस का। तो दोस्तों अपना ये प्रॉब्लम ठीक हो गया, ये आईसी का ही प्रॉब्लम था। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। फिलहाल इसको अभी हम एक एल्युमिनियम की प्लेट लेकर इसको इस तरीके से कहीं पर भी इसको टाइट कर देंगे ताकि ये गर्म ना हो। ठीक है, तो इसको हम पैक कर लेते हैं दोस्तों, और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।